गाइस हमारे जो Redmi 12 5G, Poco M6 Pro 5G और Redmi Note 12 R जो डिवाइस है उसके लिए एक न्यू बिल्ड आया है गाइस, और इसका नेम है देख सकते हो टेकिला ओएस, और ये एंड्रॉयड 14 के साथ आया है ओके। और इस रोम में आपको कुछ फीचर्स मिलेगा और कुछ बग्स भी मिलेगा, मेजर बग्स ओके। तो सब कुछ बताऊँगा गाइस ये वाला रोम को आपको अपने डिवाइस में यूज़ करना चाहिए कि नहीं, और इसको थोड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पे नया हो गाइस और आप इस डिवाइस के यूजर हो सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह इसका जो अबाउट फोन है। सो इसके जो अबाउट फोन में देख सकते हैं इसका जो एंड्रॉयड वर्सन है ये आपको 14 के साथ देखने को मिल जाएगा, और इस तरह से आपको थोड़ा सेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो मेन हर एंड्रॉयड में मिलता है सो इस तरह से मिल जाएगा, टेम्पेस वगैरह कर सकते हो। और बिल्ड जो है गाइस देख सकते हो टेकिला ओएस वर्सन है, अनऑफिशियल है ओके। और इसका जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है ये नवंबर 1 का मिल जाएगा 2023 का, जो बेसमेंट वर्सन है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा। कर्नल जो है गाइस सो एटोमिक्स का मिल जाएगा वो नवंबर के साथ ओके। रोम का कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा नेटवर्क एंड जो इंटरनेट, यहाँ पर जाने के बाद आपको अगर जो स्पीड करना है नेटवर्क जो इंडिकेटर को सो उसको इधर से इनेबल कर सकते हो। सो इधर देख सकते हो इनेबल नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर ओके, स्पीड वगैरह शो होगा ऊपर में। उसके बाद आपको देख सकते हो हाइट भी करने को मिल जाएगा ऑटो हाइट। उसके बाद सो जो 4G आइकॉन जो LTE रहता है उसको 4G कर सकते हो, जो इधर देख सकते हो मेरा 4G वगैरह LTE में कन्वर्ट होगा ओके। तो ये वाला देखने को मिल जाएगा। बैटरी के लेआउट आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जहाँ से बैटरी के यूजेस में जाने के बाद आपको व्यू जो बाई एप्स और सिस्टम एप्स का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इस बैटरी बैकअप की, सो नो डाउट गाइस बैटरी बैकअप आपको इस रोम में बहुत सही देखने को मिल जाएगा ओके। बैटरी परसेंटेज आप शो कर सकते हो, और इधर से डायरेक्टली जो होम स्क्रीन में जो बैटरी का विजेट्स वगैरह सेट कर सकते हो। जो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद आपको इस तरह से मिल जाएगा, जहाँ से पावर ऐप जो वॉल्यूम कंट्रोलर मिल जाएगा, और फिलहाल आपको इसमें जो मी साउंड इनर साइड देखने को नहीं मिलेगा ओके। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको इसमें जो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है मैक्सिमम उसको आप सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो 30, 49, 60 और 90 हर्ट्ज़ तक। इसमें आपको जो डार्क मोड में जो डार्क थीम है इसमें यूज ब्लैक थीम का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जो प्योर ब्लैक हो जाता है होम जो स्क्रीन पूरा मेरे में देख सकते हो। वॉलपेपर और स्टाइल में जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन का जो एंड्रॉयड 14 का मेन हाईलाइट फीचर से वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो मेरे में नोटिस कर सकते हो ये वाला ऐड करूँगा। सो इसको इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस तरह रिमोट पहले करना होगा तो अच्छा लगता है ओके। आप ध्यान देना देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, आपको जो चाहिए नॉर्मली इस तरह से स्लेट वगैरह कर सकते हो वो इजीली अप्लाई हो जाएगा। चेंज वॉलपेपर में जाने के बाद आपको कुछ वॉलपेपर मिल जाएगा जो मेरे होम स्क्रीन में अप्लाई है, और ये बहुत कूल लगता है देखने में। बैक में आने के बाद क्लॉक का जो साइज है उसको स्लेट वगैरह कर सकते हो, डायनामिक एंड जो स्मॉल वगैरह ओके। सो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं सेटिंग्स में। सो आपको जाना होगा गाइस जो कहाँ पर यह इसके सिक्योरिटी एंड जो प्राइवेसी, सो इसमें आपको देख सकते हो लुक्स फाइंड करके न्यू ऑप्शन मिल जाएगा, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिल जाएगा और प्रॉपर वर्किंग है देख सकते हो, कोई लैगी वगैरह फील नहीं होगा आपको, तो आप स्मूथनेस देखने को मिल जाएगा। देन आपको सिस्टम में जाना होगा जेस्चर, यहाँ पर जाने के बाद क्विकली ओपन कैमरा नेविगेशन मोड का सपोर्ट मिल जाएगा, स्विफ्ट स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, उसके बाद देख सकते हो क्विकली ओपन जो टॉर्च है इसका भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलो स्क्रीन ऑफ किया तो देख सकते हो इस तरह से मिल जाएगा, और एक कमल का फीचर्स ओके। तो इस तरह से आपको कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाएगा। चलो बात करते हैं गाइस इसका जो होम स्क्रीन का फीचर्स के बारे में। सो आपको इसमें जो टिकिला लॉन्चर मिल जाएगा, जिसको आप जो पिक्सल लॉन्चर भी बोल सकते हो, लेकिन आपको इसमें जो क्लियर ऑल का सपोर्ट मिल जाएगा। देन इधर से कील ऐप्स का सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ से इजीली टच करके ऐप्स को आप रिमूव कर सकते हो, कील कर सकते हो, तो देख सकते हो इस तरह से मिल जाएगा। रिसेंट मोनो सुपर स्मूथनेस है, ये वाला स्मूथनेस के बारे में बात करें तो नो डाउट गाइस फास्ट बिल्ड है, फिर भी बहुत स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाएगा। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, और ये जी एप्स बिल्ड है, तो इसलिए आपको इसमें जो गूगल कैमरा और गूगल मैसेजिंग देखने को मिल जाएगा ओके। रोम का जो ये वाला स्मूथनेस है वो तो आपको सुपर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक मेजर बग्स है जिसके लिए मुझे रोम बिल्कुल पसंद नहीं आया है ओके। और फास्ट बिल्ड है, शायद नेक्स्ट बिल्ड में फिक्स हो जाएगा। सो देखो गाइस मेरे फ़ोन में यहाँ पर देख सकते हो हॉटस्पॉट, मैं इसको ओपन करूँगा सो ओके इजीली ऑन हो गया।
देन मैं चाहूँ इसको ऑफ करने के लिए, सो ये ऑफ नहीं होता है। मैं अगर सेटिंग्स में एंटर करने की चाहूँगा तो देख सकते हो फ्रेज हो जाता है फ़ोन, बिल्कुल देख सकते हो इस तरह से हो जाता है। ओके, और मैं अगर नॉर्मली सेटिंग्स में एंटर करूँगा, सेटिंग्स में तो आ गया, सो देख सकते हो सेटिंग भी फ्रेज हो गया। सो इस तरह से वाला बग्स मिलेगा। इसके लिए आपको एक फिक्स करने के लिए आपको आपका डिवाइस जो है इसको आपको रिस्टार्ट करना होगा एक बार। ओके, तो तब ये फिक्स होगा, नहीं तो अदरवाइज से कभी फिक्स नहीं होता है। देख सकते हो काम वगैरह नहीं करते हो, इधर से काम वगैरह नहीं करते, सेटिंग्स में भी एंटर नहीं करते हैं, देख सकते हो। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद जब आप सेटिंग्स में जाओगे ऑफ करने के लिए, सो सेटिंग्स भी काम नहीं करते हैं। सो ये वाला बग्स मिला है और मुझे इसलिए रूम पसंद नहीं आया है। और इसका जो ईयर स्मूथनेस है वो तो आपको बहुत सही मिल जाएगा, लेकिन यही बग्स है जो मुझे माइनस पॉइंट लगा है इस रूम का। ओके, तो ये बार जो बग्स है इसको सही तब इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए इस रूम को आपको फ्लैश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट का वेट करो, शायद फिक्स हो जाएगा। ओके, सो देख सकते हो अब एक काम कर रहा है सेटिंग्स। ओके, ये काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद अब फिर से अगर नेटवर्क एंड जो इंटरनेट में जाने की सोचोगे तो फिर से फ्रेज हो जाएगा। ध्यान दिया, देख सकते हो फ्रेज हो गया। तो इस तरह से मिल जाएगा। फिर ये वाला जो ऑप्शन आएगा सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट या क्लोज कर सकते हो, वेट करने के बाद भी इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से मिल जाएगा, नेक्स्ट अपडेट का वेट करो, शायद फिक्स हो जाएगा। ओके, और इसके ऊपर पिक्सेल एक्सपीरियंस का भी अपडेट आ गया है, तो जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। सो गाइस, आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा, सो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना वीडियो को। चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।